नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे सामने आया है। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर इस बीजेपी के इंटरनल सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ हुए प्रदर्शन में जिस तरह से लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों को कार से कुचला गया, इस मामले की जो जांच चल रही है उस जांच पर अब राकेश टिकैत का बहुत बड़ा जो है बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर के हॉस्पिटल से एक दुखद खबर सामने आ रही है, क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी की सांसद और भोपाल से बीजेपी की नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से नए विवाद में फंस गई हैं। दरअसल उनको एक नए मामले में पकड़ लिया गया, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखीमपुर खीरी की घटना का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू अब जेल भेज दिया गया है, इसको लेकर के भी बड़ी खबर है, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि वरुण गांधी ने बीजेपी से कर दी खुलकर बगावत, एक और वीडियो शेयर करके बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के एक दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी और पार्टी की कार्यशैली को लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में लगातार जिस तरह से कश्मीर के अंदर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है, उस मामले पर देश गृहमंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आने वाले एक या दो महीने के अंदर पांच ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इन पांच राज्यों में जो है गोवा भी एक बड़ा राज्य माना जाता है। यहां पर हालांकि सीटें तो उतनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी के बीच में टक्कर होती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद गोवा ही अब जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीति का अड्डा बन चुका है। खैर, गोवा की 40 विधानसभा सीटों का एक ताजा सर्वे सामने आया है। ये जो सर्वे है बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के दिग्गज नेता गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि उनके सर्वे के मुताबिक बीजेपी 40 में से 30 से ज्यादा सीटों पर जीत करके एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये बहुत बड़ा दावा अमित शाह के द्वारा किया गया है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई आपको बाद में पता चलेगी, आपकी अपनी क्या राय है, आपका क्या प्रेडिक्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लखीमपुर खीरी में तिकुनिया में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, इस मामले पर जो SIT जांच कर रही है उस जांच पर अब राकेश टिकैत ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई ना होने तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सकता। टिकैत ने गुरुवार को टप्पल में एक निजी समारोह से इतर बातचीत में आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी मामले की जांच को प्रभावित कर रहे हैं। जिस तरह से इस मामले की जांच हो रही है उससे हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, हम असंतुष्ट हैं, और भी अभी बहुत सारे झूठे गवाह इस मामले पर पेश किए जाएंगे और बीजेपी के नेता को बचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर के हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं, फिलहाल राहुल गांधी हॉस्पिटल पहुंच करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हालचाल लेने पहुंचे थे, लेकिन जो जानकारी एम्स की तरफ से आ रही वो ये है दोस्तों कि मनमोहन सिंह की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। फिलहाल उनको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से आने वाले दिन और आने वाले घंटे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम सभी उनके लिए दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के देश की सेवा करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बीजेपी की सांसद और नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक और नए विवाद में फंस गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं, भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कबड्डी खेले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कबड्डी का
का वीडियो सामने आने के बाद विरोधी उन पर हमलावर हो गए हैं। आलोचकों का कहना है, यानी कि जो उनके खिलाफ उनका कहना है कि सांसद प्रज्ञा किसी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर की बीमारी की बात पहले भी कई बार सामने आ चुकी है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिस तरह से कोर्ट के अंदर पेश होती है, पेशी के लिए जो बहाना बनाती है, वो कहती कि उनको चलना फिरना नहीं आता है, वो व्हील चेयर पर चलती है, इस वजह से कोर्ट उनको छूट दे। लेकिन जिस तरह से आने वाले कुछ दिनों से उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें साफ तौर पर वो चल भी सकती हैं, दौड़ भी सकती हैं, इवन कबड्डी भी खेल सकती हैं, तो आखिरकार उनको इतनी छूट क्यों दी जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लखीमपुर खीरी की घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लेकर के अब जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक लखीमपुर खीरी घटना का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी ने अब सीधे जेल भेज दिया है। दोस्तों कल तक उनकी, फिलहाल आज तक उनकी रिमांड थी, लेकिन रिमांड खत्म होने से पहले ही पुलिस ने आशीष मिश्रा को जेल की हवा खिलाने के लिए भेज दिया है। तो अब आशीष मिश्रा फाइनली जेल पहुंच गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वरुण गांधी ने अब खुल करके बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। वरुण गांधी ने जो किसानों के मसले पर फिर ट्वीट किया है, बीजेपी से सांसद वरुण गांधी ने इस बार पूर्व पीएम और बीजेपी के बड़े नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह किसानों का समर्थन करते हुए तत्कालीन सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। बता दें कि वरुण गांधी किसानों के मसले पर लखीमपुर कांड पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उनके निशाने पर बीजेपी की अपनी ही सरकार है, लेकिन जिस तरह से उनको मोदी सरकार और खास करके बीजेपी इग्नोर कर रही है, इस मामले पर अब उन्होंने अटल बिहारी के एक वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी के खिलाफ खुली लड़ाई करके मैदान में आ गए हैं। अब देखना यह होता है कि इसमें आगे क्या होगा। फिलहाल तो यह है कि अब वरुण गांधी आर पार के मूड में आ गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, अब महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के नेता ने अपनी ही पार्टी और उनके द्वारा सीआईडी हो या फिर चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इन तमाम सारी संस्थाओं को लेकर के, अपनी पार्टी की कार्यशैली को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक हर्षवर्धन पाटिल ने कहा है कि वो अब काफी सुकून से सोते हैं, क्योंकि भाजपा में आने के बाद उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए पुणे के इंदापुर विधानसभा से पूर्व विधायक पाटिल ने यह बात कही है। उनका कहना है कि जब वो भाजपा में गए तो सवाल होता था कि वो क्यों गए हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि यहां हम मजे से सो रहे हैं। जब हम भाजपा में नहीं थे, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, दिन ब दिन जो है पूछताछ होती थी, बहुत सारी चीजों पर जो है हमको जो है पूछा जाता था और सवाल किए जाते थे। खैर अब बीजेपी में आकर के सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं उनका इशारा किस तरफ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है, इस मामले पर गोवा के अंदर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया तो एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। अब देखना यह है इस पर पाकिस्तान क्या कहता है। आपकी अपनी क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।